वेद को प्रमाण नहीं मानता, पुनर्जन्म नहीं मानता, जो शव है उनका भूमि में संस्कार कर देता है और कोई कर्मकांड नहीं करता, ऐसा व्यक्ति केदारनाथ का रावण बना हुआ है जी। और न तो पूजा करता है न वहां रहता है जी, और जो ढावा आता है उसका 20% अपना कमीशन में ले देता है जी। शंकराचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से खास बातचीत करने के लिए। आचार्य प्रमोद जी, जो शंकराचार्य जी कह रहे थे और जो अपनी बात आप कह रहे थे, मैं चाहूंगा अपनी बात पूर्ण करें और इस पर जरा आप अपनी टिप्पणी भी दें प्लीज। देखिए मैं कह रहा हूं, दुखद बात यह है कि जगत गुरु शंकराचार्य की एक गरिमा होती है, उनका इशारा उन्होंने दे दिया। अब ये जो रोज रोज का विवाद है ये तो ऐसे है जैसे दो पहलवान कोई गली मोहल्ले के अखाड़ों में लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इससे वाकई हमें दुख पहुंचा है। जहां तक सवाल है केदारनाथ की सफाई का, तो उत्तराखंड की जो सरकार है वो सारी चीजों में या देश की सरकार है उसको हमारी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है ये, और केदारनाथ के कपाट खुले हुए हैं तो उसकी सफाई पहले से करनी चाहिए और अब तक तो कर देनी चाहिए थी। तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं बड़े विनम्र शब्दों में कि जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी बात को कह दिया है। अब जो दूसरे लोग हैं उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, कुछ तो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो स्वरूपानंद जी के विरोधी हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद जी उनको असली शंकराचार्य नहीं मानते जी, तो जी, मुद्दा ये है कि वो जो सब नकली शंकराचार्य हैं वो सब इस पर टारगेट करते हैं स्वामी स्वरूपानंद जी के ऊपर। वो रावल के पक्ष में नहीं है, मैं बड़ी साफ गोई से बात कर रहा हूँ। अमिताभ जी मुस्कुरा रहे हैं, जो शंभू शंकराचार्य, प्रश्न ये है कि जो शंकराचार्य जिनको स्वरूपानंद जी की तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा है और अपमानित किया जाता रहा है और कुंभ के उसमें विवाद हमेशा खड़ा रहा है, वो यही विवाद था कि ये शंकराचार्य नहीं है। तो स्वरूपानंद जी के ऊपर अटैक करने के लिए रावल के कंधे इस्तेमाल हो रहे हैं। और जहां तक रावल का सवाल है, मैं रावल के ऊपर भी ये कहना चाहता हूं, जो वहां लिंगायत हो या कोई भी हो, जो भगवान महादेव जो कालों के काल महाकाल की साथ रहता है, वह मौत से क्यों डरा? उसे तो गले लगा करके भगवान को वहीं मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपके चैनल्स पे देखा है कि घंटा पकड़ के भी लोग बच गए, नंदी की पूंछ पकड़ के बच गए। बिल्कुल, तो वो नहीं, बच्ची कानपुर की, देखिए जब हमारे नंदी को पकड़ी रही exactly, कुछ नहीं हुआ exactly, तो जो हमारी, हम तो दूर रहते हैं, हमारी भगवान में इतनी आस्था हो सकती है, जो भगवान के निकट रहता था वो भगवान को लेके क्यों भागा? तो ये बहुत तरह के प्रश्न है, मगर इन सब के बावजूद मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्यों की एक गरिमा है, मर्यादा है, उससे नीचे आकर के उन्हें बात नहीं करनी चाहिए और उनको एक इशारा दे देना चाहिए। जहां तक सवाल है केदारनाथ में संत महात्मा चल के सफाई करें तो बिल्कुल शंकराचार्य जी चले, हम लोग सब लाखों की संख्या में चलने को तैयार हैं जी। लेकिन ये जो कुत्ते फजीते हो रहे हैं गली मोहल्ले के पहलवानों की तरह, ये नहीं होना चाहिए। इससे धर्म के प्रति लोगों की जो आस्था है ना वो तो शायद कम नहीं होगी, लेकिन एक अजीब सा तमाशा बन के हमारा धर्म। सर्वानंद जी, एक जो तमाशा ये बन रहा है, इस तमाशे को हम कैसे रोकें, ये भी एक सवाल अपने आप में। लेकिन एक बात बता दूं, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने भी आपने कहा, मैं आपको फिर कह दूं कि ये जो ज्योतिर्लिंग है हिमालय, तो केदारे ये भगवान का पृष्ठ भाग है। जब वो महेश बने, सरवन जी, तो मैं आपको धृष्टता कर रहा हूँ फिर से, टीवी की मजबूरी है, मुझे सब लोगों को लेना होता है। गणेश गोदियाल साहब हमारे साथ हैं, आप केदारनाथ मंदिर समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं, आप कांग्रेस के विधायक भी हैं। गणेश गोदियाल साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, ये क्या विवाद है भाई? इस विवाद से तमाम धर्माचार्य दुखी है। मैं अभी फोन से आपके चैनल पर जो चर्चा चल रही है उसको सुन रहा था, मैं ये तो नहीं जान पाया कि कौन कौन सज्जन इसमें चर्चा में भाग ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब हैं और स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं स्पष्ट रूप से बहुत शॉर्ट में मंदिर समिति के पक्ष को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जी जी। सबसे पहले तो हम सभी जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, आदरणीय शंकराचार्य हैं, सब हमारे पूजनीय हैं, चाहे शंकराचार्य जी हैं, रावल जी हैं, सब हमारे पूजनीय हैं। मैं इस विवाद में मंदिर समिति को नहीं डालना चाहता कि किसने अच्छा किया किसने खराब किया, मैं तो ये समझता हूँ कि सबने अच्छा किया और सब अच्छा करना चाह रहे हैं। कौन पूजा कहाँ कर रहा है, आखिर जहाँ भी जो पूजा कर रहे हैं वो सब भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। और ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से जब आदमी को सही लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ तो वो हो सकता है वो सही हो। अब जैसे अगर मेरी बात करें आप, मैं 22 तारीख को जब केदारनाथ जी पहुंचा
तो जितनी भी हमसे हुआ, हमने वहां का रेत वगैरह बाहर निकालने के बाद, कुछ साफ सफाई करने के बाद, मन में ये इच्छा हुई कि एक अगरबत्ती यहाँ जला दूं। हमने अगरबत्ती जलाई तो वो विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा कहती है कि हमने जो किया सही किया। अब आगे की बात आपको बता रहा हूँ, जितने भी आदरणीय लोग, जितने भी पूजनीय लोग इस बात में अपनी बात को रखे हैं, उनका विचार, उनके विचार को मैं काटना नहीं चाहता, उनके विचार अपनी जगह बहुत सही है। लेकिन जहां तक पूजा की बात है, पूजा केदारनाथ में पूजा को शुरू करना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का पहला कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प है। जितने लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम केदारनाथ मंदिर जी के अंदर, मंदिर के अंदर जितने कुछ मलबा पड़ा है या रेत पड़ी है उसको साफ करके, नहीं ये विवाद गणेश भाई ये तो विवाद था, पूजा शुरू करें। गणेश भाई जहां तक मुझे पता, ये जो विवाद था, ये विवाद सिर्फ इसलिए हुआ कि साहब स्वरूपानंद जी सरस्वती जगतगुरु के खिलाफ कुछ एक लोग सामने उतर आए हैं, वो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, वो जो भीमशंकर लिंगम जो है, आप उनके जो रावल साहब हैं आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो लिंग है उसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और जगह पर। नहीं नहीं, ऐसा है कि हम चाहे वो भीमाशंकर लिंग हो या कोई अन्य सम्मानित व्यक्ति हो, हाँ। किसी को भी ये परमिशन नहीं होगी कि वो अन्य जगह केदारनाथ मंदिर को या शिफ्ट करने की बात करनी, तो बहुत दूर की बात है, इसको सोचे भी, ये किसी को परमिट नहीं है, ये किसी को ये अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन, 3-4 दिन पहले भीमाशंकर लिंग साहब का, रावल जी का भी ये बयान पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हम लोग केदारनाथ में पूजा शुरू करना चाहते हैं, हाँ। और शंकराचार्य जी भी यही चाहते हैं, तो हम, मैं ये कह रहा हूँ कि सब यही चाहते हैं, हम सब मिलकर इस काम को और जल्दी करें, और इसको जो है वहां पर केदारनाथ जी में जल्दी पूजा शुरू हो, जल्दी यात्रा शुरू हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई गणेश गोदियाल साहब, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बात करने के लिए। आचार्य सर्वानंद जी बहुत संक्षेप में अपनी टिप्पणी दिए, 30 सेकंड। देखिए वहां से लिंग तो कभी शिफ्ट हो ही नहीं सकता है, हाँ। इसकी तो बात करना ही बिल्कुल गलत है। केदारनाथ केदारनाथ है, बहुत सतयुग से चला आ रहा है। बस ये है कि ये विवाद शंकराचार्य या लिंगायत जो चाह रहे हैं, वहां पूजा तो होना ही है। जैसे वो गया, उसने अगरबत्ती भी जलाई, तो पूजा बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, फिर धाम स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। ये संतों का जो विवाद हुआ, संतों को वहां पहुंच करके, जैसे आचार्य ने कहा सफाई करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, हाँ। तो हम सब लोग मिलकर के वहां जाएं और सहयोग करें, देखिए झगड़ा विवाद खत्म करें। चलिए आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब, 30 सेकंड फॉर यू प्लीज। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो जो केदारनाथ की पूजा का जो सवाल है वो ठीक है, पुजारी करें, लेकिन अखिल भारतीय संत समिति है, भारत साधु समाज है, सारे मिलके इसको निपटा लेंगे, हाँ। इसको अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, हाँ। दूसरा ये कि धारी देवी जो शिफ्ट की गई है, हाँ। हम लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब केदारनाथ भगवान की पूजा शुरू हो तो सरकार के द्वारा और सब मिल करके धारी देवी की स्थापना वहां करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये तबाही आई है, ऐसी हमारी मान्यता है। मैं बिल्कुल अपने आप को संबद्ध करता हूं, और जो तमाम आस्था के जो चिन्ह है वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, उनको उसी मूल जगह पर रखा जाए, और इस देश में संविधान प्रदत्त जो अधिकार हमारा है, हमें अपनी आस्था के हिसाब से पूजा रचा और तमाम जो जो विधि विधान है उनको करने की इजाजत पूर्ण रूपेण होनी चाहिए। अंताब जी संपाद की टिप्पणी प्लीज। देखिये मैं बहुत हैरान हूं, यह विवाद विष्णु के रूप में पर होता तो मैं थोड़ा बहुत उससे अपने को जोड़ पाता, हाँ। ये शंकर के रूप पर हो रहा है विवाद। शंकराचार्य जी अलग धारा में, आदि शंकराचार्य ने जिनको सेवादार नियुक्त किया वो अलग झंडा फहरा रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। नमामि मीशा निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश आकाश वासम भजे। शंकर वो रूप है, वो रावलों और शंकराचार्यों के बंधन में बंधने वाला व्यक्ति प्रकाश पुंज है क्या? बहुत अच्छा। हम आप तय करेंगे उसको, जिसके त्रिशूल की नोक पल पर काल की धुरी रहती हो, उसको हम तय करेंगे बैठकर चार लोग अलग अलग ढंग के वस्त्र पहनकर कि बाबा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ महादेव। देव होना सरल है, हर देव के साथ अवगुण जुड़े हैं। इतिहास पढ़ के देखिए, वेद शास्त्र पुराण स्मृति ब्राह्मण तैतृ जितने सब पढ़ लीजिए, हर देव के साथ कुछ कुटिलता कुछ चारित्रिक दोष जुड़े। प्रमोद जी गलत कहूं तो टोकेगा, महादेव होना कठिन है। बहुत अच्छी, जब सब त्याग देते हैं तो महादेव होते हैं, और जब सब पा लेते हैं तो सिर्फ इंद्र होते हैं। बहुत अच्छा, ये समझना होगा। बद्रीनाथ महाराज में, बद्री विशाल के यहां क्या होता है बद्रीनाथ जी में? आखिर
पर ये व्यवस्था हमारे शास्त्रकारों ने की कि जब मौसम प्रतिकूल होगा तो उसको नाम दे दिया कि हम नारद सेवा करेंगे भगवान की। क्यों? क्योंकि व्यक्ति नहीं रह सकता वहां, लिंगायत हो, शैव हो, वैष्णव हो, कोई हो, मर जाएगा, रह ही नहीं सकता। तो व्यवस्था की ना कि देव पूजन करेंगे, वैसी ही व्यवस्था केदारनाथ के लिए की, केदार बाबा के लिए, कि देव पूजन और मानव पूजन। बद्री में बता बांट दिया कि भाई 6 महीने भगवान नर रूप में है तो व्यक्ति पूजा करेंगे शरीरी लोग, और जब नारायण रूप में आएंगे तो अशरीरी नारद सेवा करेंगे। ये देखना होगा। और तीसरी बात जिसकी ओर इशारा किया हमारे भाई प्रमोद जी ने, मैं कहूंगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर आदि शंकर की परंपरा की पवित्रता का बहुत बड़ा हिमायती हूं, और इसके लिए मैंने कई संतों की नाराजगी भी ली, प्रमोद जी जानते हैं। अधोक्षानंद जी, कल वो दिल्ली में एक समारोह में थे, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को सम्मानित कर रहे थे, जिन मंत्री पर भारत मां के प्रति कुछ विचित्र शब्द कहने का आरोप लगा, अदालत में मामला गया, डायन, हाँ डायन कहा भारत मां को, वो उनको सम्मानित कर रहे थे, कह रहे थे धर्म रक्षक हैं। अब उनको आदि शंकर की परंपरा का कैसे मान लू मैं? वासुदेवानंद जी महाराज और स्वरूपानंद जी महाराज का विवाद समझ सकता हूं, स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन अधोक्षानंद जी को स्वीकार नहीं कर सकता ना। मेरा मानना यह है, भगवान शंकर की पूजा के लिए चिंतित मत होइए आदि शंकराचार्य जी और रावल जी, मत होइए, वो खुद में पूजा से परे सत्ता है। और जिन जो लोग ये कहते हैं कि पहले केदारनाथ के मंदिर की साफ सफाई होनी चाहिए, मैं उनसे भी सहमत नहीं, विनम्र रूप से कहूंगा, पहले बच्चों को भोजन दीजिए, पिता तभी खा पाएगा। कोई बाप मुझे बता दीजिए जो कहे कि बच्चों को मरने दो, पहले मेरी खाट बिछाओ। कोई बाप है क्या ऐसा महाराज जी, सर्वानंद जी महाराज? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बापों का बाप है, देवों का देव। अच्छा। है। एक साल लगे, 2 साल लगे, कोई चिंता नहीं, काल उसकी नेत्र की गति से नियंत्रित होता है जी। क्या फर्क पड़ता है अगर 2 साल लग जाए? उत्तराखंड बहाल होना चाहिए जी, उत्तराखंड बसना चाहिए, लोग वहां प्रसन्न होने चाहिए, तो महाकाल अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक बात। और ये जितने भी लोग वहां झगड़ा फसाद लालच से कर रहे हैं, इन सबको बाहर करिए। कोई चौकीदार ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता, वो लिंगायत हो, वो शैव हो, वो वैष्णव हो, किसी मठ का हो, किसी मठ का पुजारी हो, किसी मंदिर का पुजारी हो, वैष्णो देवी में पूजा करने वाला भगवती का अवतार नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात। केदारनाथ की पूजा करने वाला बाबा केदार नहीं हो सकता। महाकाल की पूजा करने वाला उज्जैन का पंडित महाकाल हो जाएगा क्या? नहीं, ये सोचना चाहिए। हम लोग नौकर हैं उस सत्ता के, हम सेवक हैं, हम चारण हैं। और अगर जुगनुओं को सूरज होने का भ्रम हो जाए तो हिंदू धर्म फिर पतन की ओर जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं आचार्य सर्वानंद जी। जी प्रमोद जी, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, इतनी सारगर्भित चर्चा की। ये सत्य बात है कि इस तरह के छोटे छोटे झगड़ों से पूरे धर्म का एक जो प्रताप है ना, उस पे पैचेस आते हैं, धब्बा लगता है, ये नहीं होना चाहिए। और जब धर्म गुरु ये कहें, मैं आचार्य सर्वानंद जी से अपने आप को संबद्ध करता हूं, कि वो जो उन्होंने बच्चों वाला उदाहरण दिया कि साहब जब मां बाप लड़ते थे तो हम गुरुओं के पास जाते थे, और जब गुरु लड़ रहे हैं तो बच्चे पूछते हैं हम किसके पास जाएं। ये गुरुओं को समझना पड़ेगा, गुरु और गोरु में अंतर समझना पड़ेगा। जो गुरु हैं वो गुरु ही रहे तो बेहतर है, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और धर्म के लिए भी। और गुरु जब गोरु हो जाएं तो फिर शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थापित किया गया है।
दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा